मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक ओर जहां नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है, तो वहीं युवाओं और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंप कर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, जबकि जितेंद्र प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल और रविंद्र जायसवाल को पुराने विभाग ही मिले हैं। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। तो ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, सबसे अहम पद दिया गया है। तो वही जितेंद्र प्रसाद को पीडब्ल्यूडी का विभाग मिला है, जो कि पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास था। योगी सरकार 2.0 की टीम तैयार हो चुकी है, तो वहीं बेबी रानी मौर्य को बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा कर दिया अपनी कैबिनेट मंत्रियों को। सीएम योगी ने 34 विभाग अपने पास रखे हैं, जितने बड़े और भारी भरकम महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सीएम योगी के पास ही हैं। तो अपने मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं, अहम जिम्मेदारी दे दी गई है और अब किस तरह से निर्वहन करते हैं अपनी जिम्मेदारियों का, ये सभी कैबिनेट मंत्री, 52 कैबिनेट मंत्री, ये अब वक्त ही बताएगा। तो लिस्ट सामने आ चुकी है, ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे बड़े विभाग रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। तो सीएम और डिप्टी सीएमओ के पास बड़े विभाग और ज्यादा विभाग है, तो वहीं बाकी के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास भी सभी विभाग जा चुके हैं, सभी को आवंटन कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है, जो इससे पहले आशुतोष टंडन के पास था, महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। और जितेंद्र प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है, जो केशव प्रसाद मौर्य के पास था। सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल और रविंद्र जायसवाल, ये वो नाम है जिनको उनके पुराने विभाग ही सौंपे गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यभार सौंप दिए गए हैं, उनके विभागों का जो बंटवारा किया गया है, किस तरह से देखते हैं, कितना बदलाव किया गया है और जो नए विभाग, जिन लोगों के पास नए विभाग गए हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? कैबिनेट 2.0 जो कि 3 दिन पहले शपथ लेती है और कल देर शाम मंत्री, वो तमाम चेहरे इस बार बाहर दिख रहे हैं जो पिछली बार बड़े मंत्रालयों को संभाल रहे थे। वहीं अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पास 34 अहम मंत्रालयों को रखे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरेश खन्ना, जो कि पिछले सरकार में जो सबसे बुजुर्ग विधायक के तौर पे हैं और विधानसभा के अंदर में, उन्हें वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री रखा गया। और आपको बताना चाहेंगे, गुजरात कैडर के IAS जो VRS लेकर और MLC बनकर उत्तर प्रदेश में आए थे, काफी अटकलें चली थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई और उन्हें ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। और वही आपको बता दें, जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पे बीजेपी उन्हें कांग्रेस से तोड़ के लाई थी, उन्हें लोक निर्माण विभाग दिया गया है, जो कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मंत्रालय हुआ करता था। वही आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लगभग 6 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें जल शक्ति और नमामि गंगे समेत तमाम ऐसे मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो ग्राम विकास, समग्र और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग दिया गया। और वहीं ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्हें चिकित्सा एवं साथ और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं अगर बात करें शिव प्रताप शाही, उनका विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनके विभाग जो पिछली सरकार में वो कृषि मंत्री के तौर पे थे उसी मंत्रालय को फिर से उन्हें दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य, जो कि स्वाति सिंह का मंत्रालय जो पिछली सरकार में हुआ करता था, उस वो मंत्रालय स्वाति सिंह जगह पे इस बार बेबी रानी मौर्य, जो की उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ाया गया और इस बार उन्हें महिला कल्याण एवं बाल विकास
एवं पुष्टाहार विभाग मिला है। वहीं आपको बता दें लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि दुग्ध विभाग उनके पास था, उनको प्रमोट करके गन्ना विकास एवं चीनी मिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आगरा में बंद पड़े चीनी मिलों की वहां के जो लोग हैं कल इस पे मीडिया बाइट्स आने लगे कि उसमें बदलाव होगा, आगरा एक बार फिर चीनी कटोरा बन के उभरेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग दिया गया है। वहीं नंद गोपाल नंदी के विभाग में बंटवारा बदलाव नहीं किया गया, उसमें निवेश प्रोत्साहन उसमें एक अतिरिक्त दे दिया गया है। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात करें तो पंचायती राज दिया गया है। और वहीं अगर बात करें तो आपके अनिल राजभर को जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्रालय था जो पिछली सरकार में श्रम एवं सेवाजन समन्वयन वो विभाग देकर उन्हें इस बार उन्हें काम पे लगाया गया। और साथ ही साथ योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो अपना दल के अनुप्रिया पटेल के पति जो कि कैबिनेट की शपथ लिए थे शपथ ग्रहण समारोह में, प्रायोगिक शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप विभाग दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मत्स्य विभाग दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो कपिल देव मुनि जो कि राज्य मंत्री के तौर पर कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा लगभग मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और धीरे धीरे सुचारू ढंग से ये मंत्री काम करते हुए नजर आएंगे। शुभांशु, दो ऐसे बड़े विभाग, एक शक्ति और एक जल, जिसमें सबसे ज्यादा घोटाले की बात कही जा रही थी, विपक्ष ने जमकर निशाना साधा था, तो बड़े मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, किस तरह देखते हैं? क्या इस बार जिस तरह पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में जिस तरह से जो आरोप लगे हैं वो इस बार न लग पाए, इसमें पूरा ध्यान दिया गया है सरकार द्वारा? जी शिखा, अगर बात करें तो जल शक्ति की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। वो काफी एक्टिव माने जाते हैं राजनीति में, उन्हें जिम्मा दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष का तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से उस जिम्मे को निभाया और फिर से एक बार पार्टी को बहुमत में लाने में हर एक प्रयास को किया और वो प्रयास मुमकिन साबित हो पाया, जिसमें आपने देखा कि इस बार उन्हें एक्टिव डिपार्टमेंट भी दिया गया है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे, ग्रामीण जल पूर्ति एवं सिंचाई एवं जल संसाधन, जो कि पानी से जुड़े हर एक जो विभाग है वो स्वतंत्र देव सिंह को दिए जाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग में पिछली बार काफी ऐसे आरोप लगे थे जिसके बाद ये मंत्रालय से आपको स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है और आने वाले 5 साल में उनके क्रियाकलाप से पता चलेगा कि वो कितना इस पे खड़े उतर पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे मंत्रालय जो कि योगी आदित्यनाथ अपने पास रखे हैं, 34 मंत्रालय, वो सब अहम मंत्रालय, चाहे बात की जाए आपके खाद्य सुरक्षा राजस्व, चाहे नागरिक आपूर्ति, चाहे बात की जाए सचिवालय प्रशासन, चाहे गोपनीय, चाहे सूचना, हर एक मंत्रालय को सूबे के मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं और 34 मंत्रालय को अपने पास रखे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार के जो कैबिनेट की पूरी मंत्रिमंडल है उसमें एक नया नाम उभर के आया, दानिश आजाद अंसारी जी ने अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ एवं हज बोर्ड का अध्यक्ष, साथ ही साथ उन्हें ये जिम्मा दिया गया है। तो वो अपना दल से गाजीपुर से एक छोटे से परिवार से आते हैं और गाजीपुर से वो निकलकर अपना दल के बैनर पे वो चुनाव लड़ते हैं और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का मंत्री बनाया जाता है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण जो कि पिछली सरकार में मोहसिन रजा का ये पद था उन्हें डिटेन करके और दानिश आजाद अंसारी जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए चेहरे हैं उन्हें ये मौका दिया गया। आपको बता दें कि इस बार के मंत्रिमंडल में लखनऊ विश्वविद्यालय के 5 पुरातत्व छात्र इस बार मौजूद है, चाहे बात की जाए सूबे के डिप्टी सीएम आपके ब्रिजेश पाठक की, चाहे बात की जाए आज दानिश आजाद अंसारी के, ऐसे 5 चेहरे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से निकल के आ रहे हैं और इस बार योगी कैबिनेट में मंत्री और स्वतंत्र मंत्री के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे। जी शिखा, विभांशु, जो बड़े चेहरे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो क्या लगता है कब तक उनपे फैसला होगा? जी, आने वाले 2024 के चुनाव में आप देख सकते हैं, माना ये जा रहा है कि जो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जगह नहीं दी गई है, चाहे बात की जाए तो सुर्खियों में वही अपर्णा यादव, चाहे बात की जाए गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाने वाले, इतने अंतरों से जीतने वाले राजनाथ सिंह के बड़े पुत्र पंकज सिंह, चाहे बात की जाए राजेश्वर सिंह, ऐसे बड़े कई नाम आए जिन्हें मंत्रिमंडल या स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री के तौर पर
उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई और माना यह जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आने वाले दिनों में, हो सकता है कि कुछ लोगों को विभाग उनसे लिए जाए और कुछ लोगों को और ऐड किए जाए। वहीं आपको बता दें कि अभी योगी सरकार में लगभग 53 मंत्रियों ने शपथ लिया है और 60 मंत्री हो सकते हैं। पिछली सरकार में हमने देखा कि 60 मंत्री नहीं हुए, मगर आने वाला 24 का चुनाव जो होगा लोकसभा का, उसमें हम देख सकेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कुछ मंत्रालयों को कुछ नए लोगों को भी दिया जा सकता है। वहीं अगर बात की जो सूबे के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की, तो वो एमएलसी अभी तत्काल में है और उनका कार्यकाल में लगभग 1 से 1.5 साल बचे हैं लगभग। तो माना ये जा रहा है कि उन्हें लोकसभा लड़ाया जाए या फिर उन्हें संगठन में कुछ ऐसे पद दिए जाए। आपको बता दें कि पिछले जब वो मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं थे, तो उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया था दिनेश शर्मा को। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भाजपा के संगठन में उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो या तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे हैं या फिर दोनों डिप्टी सीएम को दिया गया है या फिर स्वतंत्र देव सिंह को मिला है। तो वहीं बाकी के अन्य, क्योंकि हर एक विभाग महत्वपूर्ण है, तो उसकी जिम्मेदारी बाकी कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मार्च महीने का अंत होते होते गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब 30 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान दक्षिणी यूपी में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। इसमें अगले 2 से 3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में 31 मार्च तक 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और लू चल सकती है। तो जैसे जैसे मार्च खत्म हो रहा है, वैसे वैसे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अंत तक यानी कि 31 मार्च तक ही काफी गर्मी बढ़ सकती है और लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। 31 मार्च तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और लू चलने की संभावना जताई जा रही है। और इस बार देखा गया कि काफी ठंड भी पड़ी थी और अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि गर्मी जब आ रही है तो वो भी अपना सितम ढाएगी और काफी गर्मी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो मार्च के महीने के अंत होते ही होते गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब तक 30 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान दक्षिणी यूपी में हीट वेव चलने की संभावना भी जता दी है। मौसम विभाग ने लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का अनुमान जताया है। तो मार्च अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो वहीं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का अनुमान जताया है तापमान, अधिकतम तापमान। तो वहीं अगर बात करी जाए जून जुलाई की, तो तब तक गर्मी का प्रकोप और प्रचंड देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। तो जब तक बारिश नहीं होती है, तो मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, तो अभी गर्मी के बढ़ने के ही आसार जताए जा रहे हैं। तो अगर बात करी जाए प्रशासन द्वारा उठाए कदमों की, तो अभी इसमें कोई ऐसे कदम देखने को नहीं मिल रहे हैं जो उठाए गए हों सरकार द्वारा, वो चाहे पानी की प्याऊ की व्यवस्था हो या फिर अन्य चीज़ें। लेकिन अगर बात करी जाए बाज़ारों की, तो बाज़ारों में ठंडी चीज़ें, जूस हो गए जिस तरह से, और फलों के रस, तो इनकी दुकानें काफ़ी देखने को मिल रही है, उन पर भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस गर्मी में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके पास बस एक यही जरिया है कि अच्छी चीज़ें खाना पीना और कड़ी धूप से बचने के लिए यही सब उपाय हैं। लोग अभी से ही घर से बाहर फेस कवर करके निकलने लगे ताकि लू और धूप से बच सके। और जो निकलने का समय है, उसमें भी लोगों के निकलने के समय में परिवर्तन हो गया है। सुबह और शाम में लोग ज़्यादा घर के बाहर नजर आते, तो वहीं दिन में अभी कम ही लोग निकलना पसंद कर रहे हैं। तो धूप
जो चिलचिलाती धूप है वो अभी से ही लोगों को परेशान करने लगी है और आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लोग अपने आप को धूप से बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो इस वक्त धूप में कम ही निकलना पसंद भी कर रहे हैं लोग। जिनको ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है तो वही लोग निकल रहे हैं, और उसमें भी ऐसी कोशिशें रहती हैं कि धूप से बचते हुए जाया जा सके, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो धूप की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, सेहत पर असर पड़ता है, और इसीलिए लोग या तो सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये मार्केट में, बाज़ारों में सन्नाटा भी देखने को मिलता है, लोग कम बाहर निकलते हैं, लेकिन सुबह और शाम काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। तो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 1 अप्रैल तक लू की चेतावनी दी गई है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। तो वहीं अलग अलग जिलों की बात करी जाए, अलग अलग जिलों में भी काफ़ी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तापमान दर्ज किया जा रहा है। लखनऊ वाराणसी के लिए मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी की है कि उनके साथ लखनऊ वाराणसी सहित कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि अच्छी खासी गर्मी का सामना करना पड़ेगा आम जनता को। वहीं मार्च खत्म होने के बाद ये गर्मी और बढ़ेगी। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण जुड़ चुके हैं, तो वहीं गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। गोरखपुर में कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है हिमांशु? हिमांशु आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, तो गोरखपुर में आज कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? आज का तापमान जो है कल तक देखा जाए तो 40 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ पे पश्चिम की हवा चल रही है, इससे टेम्परेचर गर्म हो जा रहा है। जी प्रवीण, अगर बात करी जाए जिले की, तो वहाँ पे कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? क्या दिन के वक्त लोग घर से बाहर निकलने में समझदारी समझ रहे हैं, या फिर सुबह और शाम में ही लोग सिर्फ बाहर निकल रहे हैं? देखिए शिखा, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जो कि दिल्ली और गुड़गांव कई NCR से सटा हुआ है। खासकर यहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं, कुछ ऐसे कंपनियां भी हैं जहाँ से डेली काम होता है, वहाँ से कुछ जो गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट जो रहता है वो लगातार सुबह से लेके और शाम के टाइम ज्यादा रहता है। जहां तक हम दोपहर की बात करें तो लोग यहाँ पर घर से निकलने में अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि गर्मी का प्रकोप जो है इस बार कहीं ना कहीं मौसम से पहले आ गया है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मार्च के बाद ही गर्मी कभी जो आती है हल्की सी, लेकिन कुछ एक हफ्ते पहले से यहाँ पर हवाएं चलना थोड़ी हल्की, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चलना और साथ के साथ गर्मी का प्रकोप इस तरह से देखना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। जी हिमांशु, हर बार गर्मी आती है मार्च के बाद, लेकिन इस बार मार्च से ही जो प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहने वाला है? आने वाला समय बहुत गर्म होने वाला है क्योंकि लू चल रही है, पश्चिम की हवाएं जो चल रही है उससे एकदम माहौल गर्म हो चुका है और लोग सुबह और शाम में ही निकलना पसंद कर रहे हैं दिन में। हालांकि हम लोग इस समय टाउन हॉल चल रहे हैं, ये आमतौर पर एकदम रश से भरा होता है और लेकिन फिर भी देख सकते हैं एकदम खाली एरिया, ऑफिस जाने वाले लोग भी एकदम ना के बराबर है। जो ऑफिस जाना तो चले गए, किसी को मार्केट करना है तो वो सुबह और शाम में ही जाने का निकलने का सोच रहा है। और ऐसे बता दें लोग बचने के लिए गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप देखिए ठीक हमारे पीछे नारियल पानी की दुकानें सज चुकी है और रस की दुकानें सज चुकी है, पूरी तरह से लोग लस्सी छाछ और शिकंजी का प्रयोग कर रहे हैं, नारियल पानी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो गर्मी से बच सके, गले बहुत तरीके से सूख रहे हैं। जी प्रवीण, अगर गाजियाबाद की बात करी जाए तो वहाँ पे जनता खुद को कैसे धूप से बचाने का प्रयास कर रही है? देखिए बात की जाए सुबह की, तो सुबह के समय लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अगर जो दोपहर में काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनको दोपहर का काम ही करना है, उनका घर दिनचर्या जो उनकी दोपहर से चलती है, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को धूप से बचाते हैं कि अपने फेस कवर करके चले। खासकर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं खासकर अपना पूरा फेस कवर करके निकल जी। और
जैसे कि कुछ ऐसी फैक्ट्री इलाके हैं जहाँ पर सुबह से लेके और जो शाम के समय निकलते हैं उनका काम सुबह से ही चालू हो जाता है, जहाँ तक इनको सुबह जाकर और शाम को ही उनकी छुट्टी होती है। जी, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या प्याऊ की व्यवस्था देखने को अभी से कहीं मिल रही है या नहीं प्रवीण? देखिए बात की जाए खासकर गाजियाबाद के अंदर में तो कहीं ना कहीं कुछ जो पार्टियां हैं जैसे जो नेता हैं या कुछ ऐसे जो समाजसेवी हैं वो लोग कहीं ना कहीं प्याऊ की व्यवस्था भी कर रहे हैं और जगह जगह पर गन्ने का जूस, बेलपत्तर का जूस या सत्तू का जूस कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अब लगनी शुरू भी हो गई है मार्केट के अंदर में। कहीं ना कहीं उनको पता है कि गर्मी का जो प्रकोप है इस बार कहीं बहुत भारी होने वाला है और काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस बार। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए सरकार की तरफ से सहायता देने की तो क्या कौन कौन सी ऐसी सहायता होती है गर्मी में जो आम या फिर गरीब लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के लिए या फिर जो मजदूर होते हैं जिनको बाहर रहना काफी जरूरी होता है तो उनको मदद मिल सके, गर्मी से राहत मिल सके, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था करी जाती है? प्रशासन की तरफ से नगर निगम की गाड़ियां जल प्याऊ की खड़ी होती है हर जगह पे चौराहों पे, जिनसे लोग पीते हैं मटके रखे जाते हैं जल प्याऊ के, जिससे लोगों को राहत मिल सके और जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास नहीं है इस तरीके से कि वो पानी बोतल और जूस खरीद सकें या फिर पी सकें, तो ऐसे में वो इससे ही काम चला सकते हैं और अपना प्याज बुझा सकते हैं। लेकिन इस समय सर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, जबकि गर्मी इस समय पूरी तरह से प्रचंड हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़े थे तो वहीं गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे तो दोनों ने ही बताया कि पानी की व्यवस्था जिस तरह से गर्मी से राहत दिलाने के लिए की जाती है प्रशासन द्वारा वो अभी तक की नहीं गई है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से गर्मी अपना सितम ढा रही है उसको देखते हुए गरीब व्यक्तियों के लिए इंतजाम करने की काफी आवश्यकता है। हालांकि पारा अभी से ही चढ़ता जा रहा है और बढ़ते पारे के साथ ये देखा जा रहा है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कुछ ऐसे बेसहारा लोग भी हैं जो कि सर्दियों में तो रैन बसेरे में रह लेते हैं लेकिन गर्मियों में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पानी की खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है और गर्मी में कहीं ना कहीं वो भी इस आस बैठे होते कि उन्हें कहीं से मदद मिले तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान दर्ज किया जा रहा है और बात करें गर्मी से राहत की तो वो आने वाले समय में अभी मिलने की कहीं आसार नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गर्मी के साथ साथ लू चलने की भी संभावना जताई गई है, यानी कि सिर्फ गर्मी ही नहीं रहेगी, अभी जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह शाम के वक्त मौसम में थोड़ी ठंड रहती है, कहीं ना कहीं हवा जो चलती है उसमें ठंड बनी रहती है लेकिन आने वाले समय में इसमें बदलाव होने वाला है। ये जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म में बदल जाएंगी यानी लू चलेगी और धूप का जो सितम है वो भी साथ ही साथ झेलना पड़ सकता है। सुबह 8 बजे की धूप की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी परेशान करने लगी है और ऐसे में पूरा दिन जो पूरे दिन की गर्मी होती है वो आम जनता को काफ़ी परेशान कर सकती है तो चेतावनी जारी कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।